कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष सुमन सील ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत संचालित कई आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रही अनियमितताओं की शिकायत की गई है। साथ ही रेडी टू ईट के नाम पर गलत खाद्य सामग्री बांटे जाने का आरोप लगाया है, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ने की बातें कही गई हैं। सुमन सील ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया है और न ही खाद्य पैकेटों के निर्माण संस्था का नाम अंकित है और न ही एक्सपायरी डेट, जिससे यह पैकेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बने हुए हैं। सुमन सील ने ज्ञापन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुपोषित बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए बजट बनाकर महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड का वितरण किया जाता है। यहाँ रेडी टू ईट फूड, जिसमें कि प्रोटीन की अधिक मात्रा लोगों तक पहुंच सके, उसके उद्देश्य से उसमें कई प्रोटीन सामग्री रहता है। परंतु वर्तमान में भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों से बटने वाली रेडी टू ईट फूड में प्रोटीन के बजाय अधिकतर आटा की मात्रा वितरण हो रहा है, तथा ऐसे महिला स्वयं सहायता समूह जिनके द्वारा रेडी टू ईट फूड बटने का कार्य चल रहा है, वो आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड को दिए बगैर पेमेंट महिला बाल विकास विभाग से लेने का कार्य कर रहे हैं, जिसके संबंध में मार्च महीने में हमारे संस्था के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर जब इसकी अनियमितता पाया गया, उसकी शिकायत 9 मार्च को जिला कलेक्टर में किया गया था, जिस पर जो महिला स्वयं सहायता समूह जिनके द्वारा रेडी टू ईट फीड फूड का नहीं बांटा गया था, उनका पेमेंट रोकने की भी बातें कही गई थी। एक स्वयं सहायता समूह जो कि आनंद स्वयं सहायता समूह है, जो मॉडल टाउन से संचालित हो रहा है, वहाँ फूड लाइसेंस के बगैर संचालित होने के अलावा अपने रेडी टू ईट फूड में बिना कोई नाम को दर्शाए बगैर आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटने का कार्य चल रहा है, जिसमें किसी भी तरह का प्रोटीन अधिकतर नहीं होने के बाद भी आटा की मात्रा अधिक मिलाने के बावजूद भी उनका भी पेमेंट महिला बाल विकास विभाग के द्वारा कर दिया गया, जिसके तहत में आज हम लोग संभाग आयुक्त न्यायालय में एक शिकायत दर्ज किया गया है और तत्काल इस पर जांच कर दोषी अधिकारियों के अलावा जो पेमेंट किया गया है उसकी पुनः उनके पेमेंट लेकर सरकार के खजाना में राशि को जमा करने की मांग की गई है। और यदि इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर इस संबंध में समस्त वस्तु स्थिति की जानकारी से अवगत कराया जाएगा।